स्टूडेंट, आई एम गोपाल, एसएस टीचर। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल भिवानी। आज हम क्लास 9th क्लास का एसएस का लोकतांत्रिक राजनीति के किताब से लेसन पहला समकालीन विश्व में लोकतंत्र पार्ट पहला सुन रहे, जिसमें सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण उसके पाठ के अंदर जो बातें दे रखी हैं उन्हीं के बारे में बताएंगे, उन्हीं के बारे में यह समझाएंगे। तो सबसे पहले हम चिल्ले की बात करेंगे। चिल्ले जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप का प्रमुख देश है। सबसे पहले हम बताते हैं चिले जो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यहां पर हम बताएंगे लोकतंत्र के बारे में, इस शासन के बारे में। चिले में आंदे उन्नीस सौ सत्तर में राष्ट्रपति बना। चिले में आयने 1970 में राष्ट्रपति बना। उसने गरीबों और भूमि किसानों को भूमिया बांटी। उसने जो गरीब थे और भूमिहीन किसान थे उनको भूमिया बांटी, परंतु जमींदार वर्ग चरच और अमीर लोग उसकी नीतियों को पसंद नहीं करते थे। नीतियों को जमींदार वर्ग गरज और अमीर लोग उसकी जो नीतियां थी उनको पसंद नहीं करते थे। नौसेना ने रेडियो के माध्यम से उसको देश छोड़ जाने की घोषणाएं की।
उसको जो नौसेना ने रेडियो के माध्यम से उसको देश छोड़ जाने की घोषणा भी की कि आप देश छोड़ जाइए, इस्तीफा दीजिए। लेकिन ये दे ने इस घोषणा को मानने से इनकार कर दिया। ग्यारह सितंबर 1973 में सैनिकों ने उस पर बमबारी की और वह और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हम चिली के लोकतंत्र के बारे में बताते हैं, कैसे बाल हुआ चिली के अंदर ने इस राष्ट्रपति बना। इसने गरीबों के लिए और भूमिहीन वालों के लिए भूमिया बांटी, गरीबों के लिए बच्चों के लिए मुफ्त में दूध को बांटा, और नौसेना ने रेडियो पर इस को कहा कि आप देश छोड़ जाइए, इस्तीफा दे जाइए। इसने उनकी बात को नहीं माना, कहा मैं देश नहीं छोड़ूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। उसके बाद सैनिकों ने 11 सितंबर 1973 में सैनिकों ने उस पर बमबारी की और उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार उसके बाद पिनोसे, ये नंबर एक बात थी। नंबर दो बात है, पिनोसे नंबर दो बात है कि पिनोसे था जो, पिनोसे चिले राष्ट्रपति बने। इन्होंने वर्ष तक शासन 17 वर्ष तक शासन किया। पिनोसे चिली के राष्ट्रपति बने, इन्होंने 17 वर्ष तक शासन किया और आंदे के समर्थकों का दमन किया। आयंदे के समर्थकों का दमन किया। 1988 में पिनोसे
ने जनमत संग्रह करवाए। जनमत संग्रह करवाने के बाद लोगों ने इनो से को वोट नहीं दिए। और इनो से हार गया। इस प्रकार जिले में लोकतंत्र की सरकार बनी। धन्यवाद।